नमस्कार, स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाले पथरिया में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने रात्रि गुटखे को जब्त किया। हालांकि इसके पूर्व पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था और उसके बाद ये पूरी जांच सौंपी गई जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी को और उन्होंने पथरिया थाना पहुंचकर गुटखे की कार्रवाई को अंजाम दिया, उनको जब्त किया, विधि अनुसार पूरी कार्रवाई की। यहां पर जो जानकारी प्राप्त हुई है वह यह है कि जो रानू जैन है वह लगातार गुटखे का व्यापार करते रहते हैं और इसके पूर्व भी उनके ऊपर जुर्माना हो चुका है। पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि अनेक प्रश्न उपजे थे इस बात को लेकर, परंतु जो हुआ वह चर्चाओं में है इस समय। किस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, रानू जैन जो कि गुटखे के व्यापार में संलग्न है, राजश्री गुटखा पान मसाला यहां पर जब्त किया गया है और जब्त करने के बाद में यहां पर जो कार्रवाई है उस कार्रवाई के बाद इसको जांच हेतु भेजा गया है, क्या कह रहा है इस अवसर पर जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश अहिरवार का, आइए हम आपको सुनवाते हैं। आज पथरिया में वार्ड नंबर 6 स्थित रानू किराना स्टोर पर विगत 11 तारीख को पुलिस विभाग द्वारा रात्रि पान मसाला की जब्त की गई थी। इसमें 50 पैकेट्स जिसकी कीमत 10,800 रुपए के करीब थी, उसको जब्त किया गया था। इन्होंने फिर पुलिस ने प्रतिवेदन खाद्य सुरक्षा विभाग को सौंपा। इनके प्रतिवेदन के आधार पर आज मैंने पुलिस टीम के साथ यहाँ पथरिया विजिट किया है। यहाँ विजिट में मैंने अन्वेषण की कार्रवाई में रानू किराना के यहाँ जब्त माल था 50 पैकेट गुटखा के, राशि गुटखा के, राशि पान मसाला के। इनको नियमानुसार हमने इसकी सैंपलिंग की कार्रवाई की है और सैंपलिंग के बाद जो 46 पैकेट 50 में से 46 पैकेट राशि पान मसाला के बचे हुए थे, इनको अवमानक या मिथ्याप होने की आशंका के आधार पर हमने इनको जब्त किया है। समस्त माल को जब्त करके तो यह थे दमोह के खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश अहिरवार, जिन्होंने जानकारी दी किस प्रकार गुटखे को जब्त किया गया और क्या क्या प्रक्रिया से इन्होंने के तहत इन्होंने कार्रवाई की। आइए अब हम आपको मिलवाते हैं उस व्यापारी से जो गुटखा बेचने के आरोप में जिसके विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है, रानू जैन किस प्रकार गोलमोल जवाब दे रहा है यह व्यक्ति। और जो चर्चाओं में तो पूर्व से ही बना हुआ था, एक दिन पूर्व रात्रि में ही जब जब्ती हुई थी उसी समय से लगातार पूरे क्षेत्र में ये चर्चा बनी हुई थी कि क्या हुआ और कैसे हुआ और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आइए फिर हाल में हम उनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? रानू जैन। रानू जैन, पिताजी का नाम? श्रीनाथ जी। क्या काम करते हैं? गोली बिस्कुट का काम। गोली बिस्कुट का काम। आपके पास से कुछ पाया गया है, पुलिस ने क्या जब्त किया? पाउच। काई के? राजश्री के। राजश्री के, राजश्री पाउच कितने जब्त किए आपके यहाँ? 40 पाउच जब्त किए हैं पुलिस ने, बाकी पाउच कहाँ गए? अभी 40 पाउच जब्त किए हैं। 40 नहीं, चार जब्त किए हैं बस। कितने जब्त किए थे? 4। अरे कितने किए जब्त? मुंशी जी। कौन से मुंशी? हम नाम नहीं जानते। नाम नहीं जानते? कहाँ से किए थे? कहाँ पे? सर फेरी वाला आया था रास्ते में था। हाँ, फेरी वाला आया था। आप ही के पास आया फेरी वाला? हाँ। और आपके पास आके उसने दे दिए? हाँ। आपने खरीद, आपने खरीद लिया? हाँ। हैं, कितने में खरीदे थे? कितने में खरीदे थे? वो 200 रुपये एक। 200 रुपये का एक खरीदा था आपने, तो खरीद के क्या करते थे? बेचते थे। तो बेचते हो लगातार? लगातार नहीं, कभी कहते। बिल? बिल नहीं मिला सर। तो यानी दो नंबर का काम कर रहे थे? नहीं, दो नंबर का। वो है? तो सुना आपने कि ये थे वही व्यापारी, वही दुकानदार जो राजश्री पान मसाला और गुटखे के अलावा अन्य चीजों को विक्रय में भी इनका नाम जहां तहां सुना जा रहा है।
क्या है पूरा मामला यह जांच का विषय है, परंतु जो कार्रवाई हुई वह भी जमकर चर्चाओं में बनी हुई है। देखते रहिए LNB TV, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार। We'll be right back.